केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं हमारे साथ, 7 बार सांसद रह चुके हैं, 8वीं बार उम्मीद है कि इस बार मांडला सीट से जीतेंगे, मांडला सीट से ही लगातार जीतते आए हैं। सर, जो पिछली बार का रिजल्ट था खासतौर से विधानसभा का, उसमें इधर की जो 3 सीटें हैं मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, उसे देखते हुए इस बार जो उम्मीद है वो कुछ चिंताओं भरी है? देखिए, मैं कांग्रेस से ही लड़ते आया हूँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार लड़ा तो मैं कांग्रेस से लड़ा, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का 1 MLA होता था 1 टेन्योर में, और जब दूसरे टेन्योर में लड़ा तब भी 1 ही MLA था। तो मेरी आपस में कांग्रेस और बीजेपी की ही लड़ाई होती थी इस लोकसभा के अंदर। बीच में गोंडवाना का प्रभाव बढ़ा तो गोंडवाना 2 चुनाव में सेकंड में रहा, कांग्रेस 3rd में गई, तो इस प्रकार का तस्वीर इस लोकसभा की रही है। मैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो गैप है, कुछ समय लगभग 2.25 लाख वोट का भी अंतर था तब भी हम चुनाव जीते। अगर 14 का चुनाव देखें तो 1,10,000 से कांग्रेस से जो आज का उम्मीदवार है ओमकार, ये 1,10,000 से आ रहा। गोंडवाना को उस समय 1,41,000 वोट मिला उस समय 14 में। अभी 19 के लोकसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो प्रदेश का अध्यक्ष था कमल सिंह मराबी, उसको कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया, तब 1 लाख वोट से तब भी हारे 19 का चुनाव। गोंडवाना का जो वोट था वो लगभग 58,000 वोट था, तो गोंडवाना का वोट तो काफ़ी कम हुआ उस समय पिछले 19 के चुनाव में, पर जो हार जीत का जो अंतर था तो कांग्रेस का उम्मीदवार लगभग 1,99,000 कुछ वोट से वो पीछे था। तो इस प्रकार की तस्वीर रही है। आज की तारीख में हमारे पास पिछले 19 में 2 MLA हमारे पास थे बीजेपी का, आज हमारे पास 3 है। तो अगर इस चुनाव को देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विधानसभा के जो परिणाम है वो 16,000 से हम पीछे, विधानसभा की दृष्टि से जो टोटल नंबर्स हैं उस आधार पर। और इसलिए हमेशा चुनाव में हम 1,00,000-2,00,000 तक पीछे रहते थे तब भी हम चुनाव जीतते थे, इस बार जो थोड़ा अंतर बहुत कम है, और इसलिए यहाँ की जनता हमेशा पार्टी जैसे मुझ पर विश्वास करती, इसी प्रकार की यहाँ की जनता ने मुझ पर हमेशा सहयोग किया है। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी 96 से अभी तक जीतते आई। बीच में जरूर परिसीमन के समय मैं चुनाव लूज किया था 9 में, तो उसके पीछे कारण ये था कि एक तो हमारे परिसीमन में 3 विधानसभा माइनस हुए, इसके कारण हमारे जो सिटिंग MLA थे उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो एक नाराजगी का एक कारण वो भी बना। दूसरा, परिसीमन में हमारा विस्तार काफ़ी हुआ, केवलारी हमारे पास नया क्षेत्र बन गया, लखनादौन हमारा नया क्षेत्र बना, गोटेगांव नया क्षेत्र हुआ, ऐसे 3 जिले से 4 जिले में आ गया, तो 4 जिले का ये पूरा लोकसभा है। तो इस प्रकार की तस्वीर रही है। पर उस समय जब मैं लूज किया चुनाव तो उस समय मैं गोटेगांव भी जीता, मैं केवलारी भी जीता, जो नए क्षेत्र हैं वहाँ तो मैंने जीत गया। हमारा जो क्या है, कांग्रेस का उम्मीदवार था वो डिंडोरी का था, डिंडोरी का कैंडिडेट पहली बार था, तो वन साइड कांग्रेस को उधर समर्थन मिला और मेरा ज़्यादातर प्रवास उधर हुआ, इधर कम हुआ, तो इसके कारण मैं 30,000 से पीछे रह गया। ये चुनाव का जो पूरा मैं गलत समझ पाया और इसके कारण हम लूज किए, परंतु हमारा 67,000 वोट बढ़ा, बीजेपी का वोट 67,000 बढ़ा, परंतु जो गैप हो गया वह इसके कारण हम 30,000 वोट से पीछे रह गए थे। तो एक पूरा राजनीतिक समीकरण इस प्रकार का है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी, आज मोदी के
लिए, मोदी जी की गारंटी के लिए पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल है आज, इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में भी यहाँ पर जो हमारे मतदाता हैं, हमने लोगों के लिए जो लाभ पहुँचाया है, व्यक्तिगत बेनिफिशरीज हैं, मैंने केवल 5 योजनाओं को, उज्ज्वला, आवास योजना, हमारे लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान, ये 5 योजनाओं का मैंने टोटल कैलकुलेशन किया है। उसमें जहां 21-21.5 लाख वोटर्स हैं, उनमें से हमने 18,34,000 व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाया है। तो ये व्यक्तिगत लोगों को हित पहुंचाने के साथ साथ विकास के जो काम हैं, हाईवे हमको नुकसान हुआ है इसके कारण, क्योंकि बीच में ठेकेदार जो भी था उनकी लापरवाही के कारण फिर अब उसको हमने टर्मिनेट कराया, परंतु जबलपुर मंडला चिल्फी जो छत्तीसगढ़ को, हमने जबलपुर से कुंडम शेपरा डिंडोरी अमरकंटक एक बहुत बड़ा योजना हमने एक फोर लाइन वो हमने दिया, डिंडोरी से मंडला नैनपुर बालाघाट एक जोड़ने वाले हाईवे ये हमने दिया, हमारा फोर लाइन जो जबलपुर से लखनादौन ये हमने नया दिया। पिछले समय हमने जिस फोर लाइन को शुरू किया वो यूपीए के समय में वो बंद हो गया, फिर मोदी जी की सरकार बनी तो हमने जो दिल्ली झांसी जो लाइन है वो जाता ही है हमारे नागपुर के लिए, उसको अभी पूरे नरसिंहपुर से लखनादौन सिवनी नागपुर ये हमने पूरा फ्लाईओवर जो हमारा पैच है, ये सारे काम जो आप गिना रहे हैं ये जनता तक पहुंच रहे हैं। देखिए ये आम तौर से लोगों ने संघर्ष भी किया, इसके कारण हम लोगों ने इतना सब किया, मेडिकल कॉलेज हमने यहाँ दिया, एक सिवनी को दिया, मंडला को दिया, यहाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमने सेंक्शन किया, उसका भी काम अब आगे बढ़ने वाला है, भूमि अधिग्रहण और ये सारी चीज़ें हैं। एक एक क्षेत्र में प्रत्येक गांव को हमने पक्की सड़क से जोड़ा, नल और जल, आप मानिए कि मंडला जिले के अंदर, सिवनी के अंदर, लोकसभा के अंदर सभी प्रोजेक्ट हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, हम नर्मदा से पानी ला करके हम दे रहे हैं और ये सब परिस्थितियाँ है इसको लेकर के दे रहे हैं, फिर जा कर के हमारे सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन हमने पहुँचाया। एकलव्य आदर्श विद्यालय मैंने उस समय अटल जी ने प्रारंभ किया तो मैंने डिंडोरी, ये इतने ज़्यादा काम हैं कि ये तो जनता तक उनके जहन में आ जाना चाहिए था, फिर क्या कारण रहा कि पिछला जो विधानसभा चुनाव है वो आप हारे? देखिए राजनीतिक सिचुएशन होते हैं, मैं स्वाभाविक 35 साल बाद चुनाव लड़ा, मैं विधानसभा का मैं बहुत पहले 89 में चुनाव लड़ा, इसके बाद मैं अभी पार्टी ने कहा, मेरी लोकसभा की तैयारी के दृष्टि से तो मेरी तैयारी थी, विधानसभा की दृष्टि से मेरे दिमाग में कोई ऐसा विषय था नहीं, पर पार्टी का आदेश हुआ मैं चुनाव लड़ा। और चुनाव आप लोगों को भी ध्यान में होगा, चुनाव बहुत सकारात्मक था, दुर्भाग्य से जो भी परिस्थिति बनी मैं किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, परंतु 15-16 में ही सारा चुनाव का जो कुछ भी है वो परिस्थिति एकदम चेंज हुई। लेकिन उसके बावजूद पार्टी के आप सबसे बड़े आदिवासी चेहरे हैं, आप पर भरोसा किया एक बार फिर पार्टी ने, 4 बार से विधायक रहे ओंकार सिंह मरकाम, कितना आप उनको तवज्जो देते हैं, क्या वो मजबूती से लड़ रहे हैं? देखिए आप डंडोरी विधानसभा देखिए, एक कोई सिंगल वहाँ का महाविद्यालय, आप डंडोरी आप देखिए, आप बजाग देखिए, समनापुर आप देखिए, करंजिया देखिए, एक भी उदाहरण कांग्रेस का या ओमकार सिंह मरकाम का आपको कुछ दिखेगा नहीं। हर विकास खंड के अंदर उत्कृष्ट विद्यालय, हमारे क्लब विद्यालय हमने सारे इन क्षेत्रों के अंदर दिया है। आप अगर किसी से पूछेंगे, कोई भी पब्लिकली पूछेंगे, कोई भी कनेक्टिविटी का आप देखिए, वो ये नहीं कह सकता कि ये कांग्रेस रिजिम का है या मेरे प्रयास से, ये नहीं कह सकता हूँ।
जनता के बीच में आप जब जा रहे हैं तो मोटे तौर पर क्या बात उनके जहन में आ जाए ये कह रहे हैं, उनसे जो मेन बात है क्या आप कह रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा इस बात के लिए कह रहा हूँ कि मोदी जी आज भारत के लिए, देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए और गरीबों के लिए जो मोदी जी ने किया है, शायद मैंने इतने प्रधानमंत्रियों को देखा है। एक अटल जी की सरकार में मंत्री के नाते मैंने पूरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर काम किया, एक मोदी जी आज हमारे हैं, बीच में ब्रेक भी था, यूपीए की सरकार थी, यूपीए का एक भी उपलब्धि इस क्षेत्र के अंदर नहीं देखा। आज जैसे रेलवे का अमान परिवर्तन का, भारत के अंदर सबसे बड़ा अमान परिवर्तन का काम मंडला के अंदर हुआ है। अमान परिवर्तन मतलब? देखिए, मंडला फोर्ड जो रेलवे हमारा था, इसको अंग्रेजों ने बनाया था। संयोग से मुझे इसका फाउंडेशन करने का अवसर मुझे मिला और आज इसका लोकार्पण भी किया, और अंतिम समय में जब हम इसको मॉडल स्टेशन, चार मॉडल स्टेशन दिए, वैसे देश भर में बने, प्रदेश में, पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार हैं, तो उसमें से प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन उन्हें ज्वाइन किया और यहाँ की जनता को संबोधित किया। और इससे आप यहाँ से नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, नैनपुर से आप देखिए सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर, नैनपुर से देखिए हमारा जबलपुर, ये पूरा कनेक्टिविटी आप देखिए, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये अमान परिवर्तन का पूरा काम, उसमें भी हमने इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम किया, चार मॉडल स्टेशन हमने दिया। तो देखिए, रेलवे में भी ये अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और हमने विकास के काम हैं और काफ़ी लंबी फेरिस्त आपने बताई। एक तो पहला नेता हमने ऐसा देखा जो अपनी कमजोरियों को भी बताने में गुरेज नहीं करता, आपने बहुत साफगोई से अपनी बात रखी। ये जो इलाका है आदिवासी, कांग्रेस इसमें बढ़त लेती है, आप कांग्रेस में रहे भी हैं, क्या आप मानते हैं कांग्रेस की ताकत क्या है जिसकी वजह से आदिवासी उधर झुकते हैं? देखिए, कभी परंपरागत कांग्रेस यहाँ रही है, कांग्रेस में मैं कभी रहा नहीं, मैं कांग्रेस का विरोधी जरूर था। मैं 80 में सबसे पहले जो चुनाव हमारा 84-85 में जो हुआ इंदिरा गांधी की घटना के बाद, तब मैंने कांग्रेस का खिलाफ में, मेरे यहाँ पिताजी को मैंने 80 में कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़वाया था, 80 में जब मैं स्टूडेंट यूनियन में था, 80 के अंदर, तब मैंने कांग्रेस के अंदर दो हिस्से, विधायक के खिलाफ में मैंने कैंडिडेट खड़ा किया, जनपद जिताया और वहाँ से हमारी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। इसलिए वैचारिक दृष्टि से मैं 77 में भी जनता पार्टी का काम किया, मैं पढ़ता था उस समय, तो इस दृष्टि से हमने लगातार जनता के बीच में, समाज के लिए, समाज के बारे में जो अन्याय वगैरह होते थे उसको भी लेकर के मैंने संघर्ष किया है, और इसके कारण मंडला लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे व्यक्तिगत तौर से हमेशा आशीर्वाद दिया है, और यही कारण, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, परंतु व्यक्तिगत तौर से मेरे साथ में जुड़ कर के मुझे आशीर्वाद देते रहे, यही कारण है। और जो जनता के लिए मैंने सेवा किया है इस क्षेत्र के लिए, कई ट्राइबल की उपलब्धियां हैं, जैसे मैंने ट्राइबल मंत्री बनने के साथ पहली बार भारत के इतिहास में अटल जी से अनुमति लेकर के यहाँ का जो रामनगर गोंडवाना का जो किला है उसका ताला खुलवाना और उसका रेनोवेशन करवाना, ये पहली बार इतने वर्षों के बाद। चूंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और अब 6-7 बार सांसद रह चुके, तो आसपास की जो सीटें हैं उस पर भी आपके प्रभाव की जिम्मेदारी समझी जाती है, तो जो छिंदवाड़ा है, मांडला के साथ बालाघाट है, इन सीटों को जीतने के लिए आप लोग क्या रणनीति अपना रहे हैं इस आदिवासी बेल्ट में? आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो जनमन, जो सबसे पिछड़ा जो जाति है, जनमन योजना हमने प्रारंभ किया। आप देखिए, इस पूरे गोंडवाना रीजन के अंदर रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक जबलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। इस धरती में, मंडला में, शंकर साय रघुनाथ साय का जन्म हुआ, हृदय साय का जो महल जिसका उल्लेख मैंने किया, उनने उसका निर्माण किया।
और जबलपुर के अंदर जहां पर अंग्रेजों ने शंकर शाह रघुनाथ साहेब बाप बेटों को तोप से मारा था, उसका एक हमारा म्यूजियम भी लगभग 28 करोड़ की लागत से वो हमने शुरू कराया है। तो जन भावना की दृष्टि से भी देखें और आवश्यकता की दृष्टि, ये इतिहास इस बात का भी साक्षी है, जिनको हमने प्रामाणिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज, और उस समय यहाँ पर स्वयं अटल जी भी आए थे, अटल जी रानी दुर्गावती का जो जन्म हम जयंती मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं, तो उस बलिदान दिवस में अटल जी भी आए थे, और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी पिछले समय यहाँ वो आए थे। आदि उत्सव हम करते हैं कहाँ, रामनगर महल में। उस आदि उत्सव में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, और इसीलिए जितने भी ट्राइबल की योजनाएं हैं, टंटिया मामा भील देखिए, भीमा नायक देखिए, भगवान बिरसा मुंडा देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है वहाँ पहली बार मैं पैदल गया 20 किलोमीटर। कांग्रेस की बार जी ने किया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा से ये यात्रा उनने शुरू किया। अभी विकसित भारत का जो संकल्प, गरीबों का जो कल्याण, इस योजना को लेकर के भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान से कार्यक्रम शुरू हुआ, और आज पूरे देश में हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भव्यता के साथ में। आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से दीपक सक्सेना और बाकी लोग बीजेपी में गए, लेकिन जाने के बाद भी वो भक्ति दिखा रहे हैं, दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि मैं यहाँ वोट दिलवाने के लिए नहीं आया हूँ, वो हमारे पूजनीय हैं, तो क्या ऐसे में नकुलनाथ को आप लोग हरा पाएंगे? देखिए, हमारा टारगेट है, हमने तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें हमने जीत करके दिया, एक सीट वो भी छिंदवाड़ा अपवाद। इस बार हमारा टारगेट है कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे, और इसके बाद आप देखिए पूरे वहाँ का जो तस्वीर है, ये इस प्रकार का एक वातावरण है, और मोदी जी की गारंटी इसी बात की है कि मोदी जी ने आज के इतिहास में गरीबों के कल्याण, आदिवासियों के लिए ये जो उनका सम्मान और प्रतिष्ठा भारत में, और द्रौपदी मुर्मू जैसे महिला को भारत के राष्ट्रपति बनाना, ये भी अपने आप में गौरव का विषय है आदिवासियों के लिए। तो ये ऐसे कई महत्वपूर्ण, वहाँ भी हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण काम छिंदवाड़ा के अंदर किया। मैं स्वयं छिंदवाड़ा बहुत बार जाता आता रहता हूँ, परंतु आज कह सकता हूँ कि उसके लिए हमारे लोग लगे हैं, हमारे कैलाश जी हैं, इस क्लस्टर के इंचार्ज भी हैं, ये इनका भी प्रवास वहाँ बराबर होता है, और निश्चित तौर से आप मान करके चलिए छिंदवाड़ा हम जीतेंगे और पूरे 29 सीटें मध्य प्रदेश के जीतेंगे। तो बेहद बेबाकी और साफ गोई के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीजेपी की पूरी रणनीति को सामने रखा है कि किस तरीके से आदिवासी बेल्ट में काम कर रहे हैं, और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी की झोली में जाएं, इसके लिए काम हो रहा है। रवीश कुमार के साथ रविकांत, ABP News, मांडला।